नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान आगे बढ़ेगा तभी राज्य और देश भी आगे बढ़ेंगे। संकल्प के साथ किसानों और पशुपालकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मौका था पलामू में राज्य के सातवें हाईटेक डेयरी प्लांट के उद्घाटन का। सीएम ने किसानों और पशुपालकों से कहा कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़कर इसका लाभ लें और राज्य को भी मजबूती देने में योगदान करें। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार आपको चार कदम आगे बढ़कर सहयोग करेगी। ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहे डंपर चालक हीरालाल यादव को एक यात्री बस ने कुचल डाला। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 45 साल के हीरालाल त्रिवेणी सैनिक कंपनी में डंपर चालक थे। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। हजारीबाग बड़का गांव रोड पर फतेह चौक के पास रोड जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे कटकमदाव के थानेदार डी के प्रजापति ने उग्र लोगों को बहुत समझाया बुझाया, पर सड़क पर उतरे लोग बस के मालिक व कंपनी के अधिकारियों को बुलाने की बात पर अड़ गए। हीरालाल की मौत से उनका परिवार अनाथ हो गया। करीब 18 घंटे बाद कंपनी के अधिकारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे। आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया गया कि मृतक के आश्रितों में से एक को कंपनी में नौकरी और 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो का बुधवार को निधन हो गया। कार्डिनल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका मांड्रा स्थित लिवन्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद मंगलवार को कार्डिनल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। उनके निधन से झारखंड के मसीही विश्वासियों में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल लोगों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। वहीं झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा कि कार्डिनल के निधन से हम सब काफी मर्माहत हैं। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। भाजपा के दिग्गज नेता राजकुमार अग्रवाल के पुराने और जर्जर मकान का आगे का हिस्सा आज भोरे भोर अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि जब मकान का अगला हिस्सा गिरा तो उस समय वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था, वरना कहानी कुछ और ही होती। टैक्सी स्टैंड होने के चलते मकान के नीचे खड़ी 4 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। भाजपा नेता का परिवार कुछ दिन पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। आशंका है कि धनबाद में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर मकान ढह गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई, तहलका मच गया। कुछ लोगों का कहना था कि टैक्सी स्टैंड में माँ दुर्गा की पूजा होती आ रही है। जर्जर मकान को लेकर हर कोई चिंतित थे। पूजा से पहले ही मकान ढह गया। माँ दुर्गा की कृपा से बहुत बड़ा हादसा टल गया। रांची सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस छविरंजन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में छविरंजन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी की ओर से अनुसंधान पूरा कर लिया गया है, आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला बनता ही नहीं। रांची के पूर्व डीसी छविरंजन बीते 5 महीनों से जेल में बंद है। उन पर रांची में सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के अवैध तरीके से खरीद बिक्री में रहने का इल्जाम है। गिरिडीह में बेंच डेस्क खरीद में हुई गड़बड़ी में नाम उछलने के बाद मध्य विद्यालय बड्डीहा के प्रभारी प्रधानाचार्य दीपक सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। वही पूरी गड़बड़ी को सामने लाने वाले महेश लुंडी के मुखिया शिवनाथ साहब को भी अभियुक्त बनाया गया है। दीपक सिन्हा को झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तनुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने कहा कि बच्चों के हक से समझौता कोई भी करे, संघ इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वही अभियुक्त बनाए जाने पर मुखिया शिवनाथ साहब ने कहा कि इस देश में सच बोलने वालों का बुरा हाल है। बिचौलियों के साथ मिलकर जिस तरह की गड़बड़ी हुई है उस पर वे खामोश नहीं बैठेंगे। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर को ईडी ने 6 अक्टूबर को ऑनलाइन गेमिंग केस को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें दिल्ली के दफ्तर में बुलाया गया। इससे पहले उन्हें 4 अक्टूबर को समन भेजा गया था। इस केस में रणवीर के अलावा 15 से 20 और सेलेब्स जांच के घेरे में है। यूएई में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी और सक्सेस पार्टी में मौजूद कलाकार भी जांच के दायरे में है। यहाँ याद दिला दें कि महादेव बुक ऐप एक ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म है। ईडी और कई राज्यों की पुलिस इसकी जांच में जुटी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।